Good morning, students. Welcome to the physics classes at Suraj School, Rewari. I am Jogender Sir, as a faculty of physics at Suraj School, Rewari. Today we will discuss 11th class physics. Unit number 1st. Unit number 1st, physical world and measurements. यहाँ पे आपका फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और फिजिकल वर्ल्ड में हम जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज दैट इज द नेचर ऑफ फिजिकल लॉज. जो फिजिकल लॉ होते हैं आपके वो कौन कौन से लॉ है उनके बारे में आपको स्टडी करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? फोर एनए आइसोलेटेड सिस्टम. फोर एनए आइसोलेटेड सिस्टम टोटल एनर्जी इज always remains constant. जो energy होती है वो हमेशा क्या रहती है? constant होती है. it neither be created nor be destroyed. आप energy को ना तो create कर सकते हैं ना ही destroy कर सकते हैं but it can be converted or transformed from one form to the another form. जो energy होती है आप उसको convert कर सकते हैं one form to the another. basically energy की बात करें एक आपके पास potential energy है दूसरा क्या है kinetic energy. अगर इन दोनों की सम की हम बात करेंगे that is mechanical energy potential energy plus kinetic energy. जो mechanical energy होती है वो आपका हमेशा constant रहता है for any isolated system. isolated system क्या होगा जिसमें F external total F external external force कितना होगा zero. That system is known as isolated system. So for any isolated system, total energy is always remains constant. Iska matlab initial energy is equal to kya hoga? Final energy. Jitna initial hoga utna hi final hoga. Neither be created nor be destroyed. It can be converted one form to the another form. Total energy is always remains constant. That is the conservation of energy. Second law of the class, conservation of linear momentum. अगर हम conservation of linear momentum की बात करें, पहले हम बात करते हैं linear momentum. Basically linear momentum क्या होता है? Motion करके linear momentum. उससे relate करते हैं. और जो linear momentum का fourth law होता है P is equal to क्या होता है mv. P क्या है यहाँ पे momentum है, m क्या है mass है और v क्या है यहाँ पे velocity. basically जो momentum है vector quantity है तो P is equal to mv. ये यहाँ पे velocity है velocity vector है जो direction velocity का होगा वही किसका होगा momentum का होगा. तो वही same situation है for any isolated system. for isolated system टोटल मोमेंटम पी हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है. जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही क्या होगा इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल. सो मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा. जैसे आपका कोलिजन होता है दो बॉडी आपस में स्ट्राइक करती है रिकॉर्डिंग ऑफ वन हो गया दैट आर द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. थर्ड वन है conservation of angular momentum. conservation of angular momentum क्या कहते हैं? angular momentum की बात करते हैं तो basically यहाँ पे rotational motion की बात होगी या फिर circulating motion की बात होगी. तो यहाँ पे basically क्या लगेगा काफी लगेगा यहाँ पे अगर momentum p is equal to mv है और न्यूटन से क्या लोग क्या कहते हैं f is equal to dp by dt.
According to Newton's second law, F is equal to dp by dt, rate of change of momentum. ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में जो आपका लीनियर मोशन में फोर्स काम कर रहा है, यहां पे कौन करेगा? टॉर्क करेगा. अगर टॉर्क एक्सटर्नल, टोटल टॉर्क एक्सटर्नल आपका कितना है? जीरो है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा एल वो होगा एम की जगह इनर्शिया आ जाएगा आई इनटू ओमेगा. ये सभी हम स्टडी करेंगे डिटेल में. हिट नंबर 5 दैट इज द रोटेशन. तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, सो टॉर्क इज इक्वल टू निकल जाता है डी एल बाय डीटी. ये हमेशा मोमेंटम जो है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. कौन सा मोमेंटम है? एंगुलर मोमेंटम. एंड लास्ट वन इज फोर्थ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इसके बाद करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम. अगेन फॉर आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. जितना चार्ज इनिशियल होगा क्यू इनिशियल, उतना ही क्या होगा? क्यू फाइनल. क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल. चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी ट्रांसफर. चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है. तो क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल, दैट इज द नेचर ऑफ फिजिकल लॉस. थैंक यू. Oh, no.